हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू WsCubeTech यूट्यूब चैनल। मैं हूं मर्तस्कीर और दोस्तों लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग के बारे में। हम लोगों ने समझा था कि क्रॉलिंग क्या होती है और किस तरीके से जो गूगल के क्रॉलर्स हैं या किसी भी सर्च इंजन के जो क्रॉलर्स होते हैं वो किस तरीके से एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे नेविगेट करते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते रहते हैं, और बाद में जब यूजर आता है सर्च इंजन के ऊपर और सर्च करता है तो उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो इंफॉर्मेशन उन्होंने वेब पेज की कलेक्ट की थी कि ये वेब पेज किस बारे में है, किस कैटेगरी का है, इस वेब पेज की निश क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो उन्होंने कलेक्ट करके रखी थी, जिसके बेसिस पे उन्होंने इंडेक्सिंग करके रखी थी, इंडेक्स बना के रखे थे उस पेज के, उसको वो रैंकिंग एल्गोरिदम की हेल्प से क्वेरी होने पर दिखा देते हैं। यही एक प्रोसेस है बेसिकली जो जस्टिफाई करती है कि इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग क्या होती है। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लिंक्स वाला जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि सपोज करते हैं ये हमारा एक वेब पेज है, देन ये हमारा एक दूसरा वेब पेज है, ये एक तीसरा वेब पेज है, तीन वेबसाइट्स हम मान लेते हैं या तीन वेब पेजेस आप मान लो इनको, ठीक है। अब ये एक लिंक यहां पर है तो जब ये क्रॉलर आएगा, जब गूगल का क्रॉलर आएगा और इस लिंक से इस लिंक के इस पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर जाएगा, ये एक लिंक है जो इस पेज के ऊपर पॉइंट करता है, इस लिंक से वो इस पेज के ऊपर जाएगा, इस पेज की सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर लेगा। फिर यहां पर हो सकता है कोई लिंक हो, ठीक है, जो इस वाले पेज के ऊपर उसको लेकर जाए, ठीक है, क्रॉलर को, या हो सकता है यहां पर एक दूसरा लिंक हो जो एक दूसरा पेज है, दिस इज वेब पेज नंबर 4, इसके ऊपर इसको लेकर जाए। तो इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे वो जितने भी पेजेस इंटरनेट के ऊपर हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन किसके पास आ जाएगी, क्रॉलर के पास, गूगल के क्रॉलर के पास, और उन्ही सारी इंफॉर्मेशन को वो स्टोर करके अपने डेटाबेस में रखता है। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, सपोज करते हैं आपने एक नई वेबसाइट बनाई, ये मेरी एक नई वेबसाइट है, ठीक है, दिस इज वेबसाइट नंबर 5 और वेब पेज नंबर 5 विच इज न्यू, ठीक है। अब इसका तो इंटरनेट के ऊपर कहीं लिंक होगा नहीं, अगर इसका इंटरनेट के ऊपर कहीं लिंक नहीं है, जैसे यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, कहीं पर भी इसका लिंक नहीं है, तो क्रॉलर यहां तक कैसे पहुंचेगा। अब ये प्रॉब्लम की बात हो गई, लेकिन गूगल को क्या चाहिए, गूगल तो चाहता है कि आप उसको अपने वेब पेजेस के बारे में, अपनी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दो, क्योंकि गूगल का जो पूरा काम है वो ही है ये, क्योंकि गूगल जो यहां पर गूगल है तो गूगल का क्या काम है, जब कभी भी यूजर कोई क्वेरी करेगा तो उसको जो रिलेवेंट सबसे अच्छे जो रिजल्ट्स हो सकते हैं वही रिजल्ट दिखाना है, यही गूगल का काम है। अगर ये वो काम नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब गूगल अपने मिशन में फेल हो गया, यही मेन गूगल का काम है। अब इसके लिए क्या चाहिए, वो यहां पर जो रिलेवेंट रिजल्ट्स आपको दिखाता है वो रिजल्ट्स आते कहां से, वो जो आपने वेबसाइट बनाई, जो किसी दूसरे ने बनाई होगी, किसी तीसरे ने बनाई होगी, इन सारी वेबसाइट से ही वो सारे रिजल्ट्स आते हैं। तो यहां पर जो हमने नई वेबसाइट बनाई, अब इसकी भी इंफॉर्मेशन गूगल भाई साहब को चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन गूगल को चाहिए, लेकिन गूगल को अगर इसके लिंक नहीं है तो गूगल को इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं। उसके लिए गूगल ने कहा कि हमारे पास एक टूल है विच इज गूगल सर्च कंसोल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट को सीधे गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है, वेबसाइट को सीधे गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट कर लेंगे और गूगल सर्च कंसोल के थ्रू गूगल और गूगल के क्रॉलर भाई साहब आएंगे और हमारी वेबसाइट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले लेंगे, क्योंकि अब इस वेबसाइट तक पहुंचने के लिए गूगल को लिंक्स की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस वेबसाइट तक पहुंचने के लिए उसने एक रास्ता हमको दे दिया गूगल सर्च कंसोल का, और गूगल सर्च कंसोल से जैसे ही हमारी वेबसाइट लिंक होगी क्रॉलर बड़ी आसानी से गूगल सर्च कंसोल से वो इंफॉर्मेशन ले लेगा कि वो हमारे वेब पेज को क्रॉल कर पा रहा है कि नहीं क्रॉल कर पा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारे वेब पेज की स्पीड में क्या प्रॉब्लम है, जो भी। तो एक बार सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पर ये कनेक्टिविटी होनी, तो अभी सीधे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट कर सकते हैं। सीधे चलेंगे लैपटॉप की ओर। तो दोस्तों यहां पर मैं आ चुका हूं अपने गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट में। बहुत बेसिक है, आप सीधे गूगल सर्च कंसोल टाइप करेंगे और आपके पास जो गूगल की आईडी है, जीमेल की आईडी है, आप उससे उसमें लॉग इन हो जाएंगे, राइट। अब हमारे पास कोई वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है, तो मेरे पास एक ये डेमो वेबसाइट है यहां पर, ठीक है, ये हमारे पास एक डेमो वेबसाइट है। फिलहाल मैं इसके ऊपर आपको जो है इंटीग्रेशन करके दिखाता हूं, राइट। हमें यहां पर आना है और सीधे यहां पर एड प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करना है। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं। यूआरएल प्रीफिक्स वाले सेक्शन में आपको यहां पर अपना यूआरएल एंटर करना है, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं इसको, मैंने इसको कॉपी किया, यहां पर मैं पेस्ट करता हूं। हम लोग कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, वेरीफाइंग प्रॉपर्टी यहां पर शो कर रहा है। अब यहां पर हमें एक कोड देगा, ठीक है, हमें एक कोड देगा जिसे हम अलग अलग मेथड्स के थ्रू अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसके थ्रू गूगल सर्च कंसोल हमारी वेबसाइट इंटीग्रेट हो जाएगी, ठीक है। तो
यहाँ पर मैं बहुत सबसे बेसिक जो तरीका HTML टैग का वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इस वाले टैग को हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और बहुत बेसिक है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है इट शुड गो इन द हेड सेक्शन बिफोर द बॉडी सेक्शन। तो मैं यहाँ वापस आ जाता हूँ और अपनी वेबसाइट के अपेयरेंस वाले सेक्शन में, यहाँ पर थीम एडिटर वाले सेक्शन में, और यहाँ से हमें सीधे पहुंचना है header.php वाले सेक्शन में, ठीक है। header.php को हमें ढूंढना है यहाँ से, जो हमारी थीम फाइल्स होती है उनमें header.php हमें मिल जाएगा। तो here it is header.php, कहाँ पर पेस्ट करना है हमें, हेड सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये हेड सेक्शन ओपन हो रहा है, यहाँ पर ये हेड सेक्शन क्लोज हो रहा है। यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर भी जो है, यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर का भी टैग लगा हुआ है, या हम कहें कोड लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर हेड सेक्शन में हमें पेस्ट करना है बस, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। नीचे आएंगे हम लोग, नीचे आते हैं, अपडेट फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। अपडेट फाइल के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर वापस आते हैं, इसको हम लोग को देख लेना है, यहाँ पर फाइल एडिटर सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। उसके बाद यहाँ पर वापस आएंगे, विल क्लिक ऑन द वेरीफाई एंड नाउ इट विल चेक फॉर द वेरिफिकेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हो ओनरशिप इज वेरीफाइड नाउ एंड द वेरिफिकेशन मेथड इज HTML टैग, ठीक है। तो नाउ यू हैव क्रिएटेड अकाउंट, इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको कि आपका ऑब्जेक्ट अकाउंट है वो गूगल सर्च कंसोल के ऊपर हो गया। नाउ जिस भी तरीके से सर्च इंजन आपकी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करेगा, आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करने की कोशिश करेगा, क्रॉल करने की कोशिश करेगा, वेबसाइट को समझने की कोशिश करेगा, वो सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर कोई रिपोर्ट नहीं होगी, बिकॉज अभी हम लोगों ने सेटअप किया, तो इतनी जल्दी यहाँ पर रिपोर्ट नहीं आएगी, एक दो दिन में यहाँ पर आपको कुछ डेटा दिख जाएगी इस पर्टिकुलर वेबसाइट से रिलेटेड, ठीक है। सो मैं वेबसाइट पे एक बार विजिट करता हूँ, ठीक है। ये तो एडमिन सेक्शन है इसका, एडमिन डैशबोर्ड है वर्डप्रेस CMS का। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वेबसाइट है, ठीक है। तो इस पे जो भी इंटरेक्शन करेगा क्रॉलर, वो सारे हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जो भी एरर उसको क्रॉलर को लगी कि भाई उसको इंडेक्स करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, वो सारी चीजें बताएगा, स्पीड के बारे में, साइट मैप से रिलेटेड, ये अभी इसी सीरीज में आगे हम लोग साइट मैप वगैरह की बात करेंगे तो चीज समझ पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, सबसे पहला जो स्टेप आपको लेना है वो यही है कि हम लोगों ने बात करी थी ऑन पेज में, ठीक है, क्रॉलिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें अपनी वेबसाइट को क्रॉलिंग फ्रेंडली एक्चुअली बनाना है, या हम कहें कि गूगल के बॉट के फ्रेंडली बनाना, ताकि वो आकर हमारी वेबसाइट को समझ सके, ठीक है। वो समझ ही नहीं पाएंगे तो वो यूजर को क्या हमारी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो मतलब आपने बहुत सारी मेहनत करनी शुरू कर दी वेबसाइट के ऊपर, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बाद में आप कर रहे हो, उसको गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर, ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेशन जिनको आपको शुरुआत में ही कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में है, या वेबसाइट को उस पर्पज से यूज करना चाहते हैं, वेबसाइट को ब्लॉगिंग के पर्पज से यूज करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। अगर ये सारी चीजें हैं, देन आपको ये सारे इंटीग्रेशन शुरुआत में कर लेने चाहिए। अभी हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ी सी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने अभी आपको केवल गूगल सर्च कंसोल बताया है। आपको एनालिटिक्स भी इंटीग्रेट करना, वो भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। हमें एनालिटिक्स भी इंटीग्रेट करना है, किस तरीके से वो हम कर सकते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस उसकी भी। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई होप कि आपने ये दो तीन वीडियोस जो है अभी सीरीज के इनको देखा होगा और आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी इससे। और बी पेशेंट, अभी और भी ज्यादा बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, इसमें और ज्यादा बहुत अच्छी टेक्निक्स के बाद हम लोग करने वाले। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अ वेरी गुड बाय।